दोस्तों नमस्कार। इस समय हम बागपत लोकसभा क्षेत्र के गांव नरोजपुर गुजर में हैं और आज यहां आरएलडी के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान की कई जनसभाएं थी। हम यहां कुछ लोगों के साथ बैठे हैं इस समय, आइए इनसे चर्चा करते हैं कि इस समय बागपत लोकसभा सीट में क्या चल रहा है। मतलब जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और आरएलडी की निश्चित जीत है। कैसे है जीत, क्या मतलब गठबंधन के वजह से सहयोग मिला। एक हमारे जो सागवान जी है बहुत अच्छे आदमी है, चौधरी साहब के साथ रहते हुए आ रहे पहले से ही, वो फायदा है। दूसरी बात भाजपा का फायदा है, जो है बहुत अच्छा फायदा है। तो यहाँ किससे फाइट है? फाइट किसी तरह नहीं जी, फाइट में कोई नहीं है जी। क्यों, दूसरे खड़े तो होंगे? खड़े तो हैं जी, बाकी कहीं नाम नहीं है जी। अच्छा, हाँ जी, क्या मुद्दे हैं जिनकी वजह से समर्थन मिल रहा है सांगवान जी को? भाई ये मुद्दे तो ये हैं जी, योगी जी की और मोदी जी का सहयोग है। अच्छा, हाँ जी, उनके सहयोग से काम हो रहा, सब जनता साथ हो रही, अच्छा काम चल रहा, अच्छा काम कार्य कर रहे। योगी जी मोदी जी अच्छा काम कर रहे बहुत हैं। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और सांगवान जी क्या खासियत है जो उन्हें ये पसंद कर रहा भले है? भले आदमी है, सच्चे आदमी है, ईमानदार आदमी है और अच्छा कार्यक्रम करेंगे, अच्छा काम कराएंगे। ये बात सही है जी जो कह रहे हैं कि अच्छे आदमी है सांगवान जी? बहुत अच्छे आदमी हैं, भले व्यक्ति हैं। अच्छा, और इनकी विचारधारा और चौधरी चरण सिंह की विचारधारा, इनकी एक ही नीति है, हम इनकी नीतियों के साथ, इनके साथ हम डॉक्टर राजकुमार के साथ बहुत दिनों से, हम भी इनके शिष्य हैं, बहुत दिनों से इनके साथ काम करते आ रहे राष्ट्रीय लोकदल में। बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, कभी अपने स्वार्थ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए कोई जाति की राजनीति नहीं की, किसी धर्म की राजनीति नहीं की। इनके पास कोई भी यूनिवर्सिटी मेरिट में कोई भी किसी भी धर्म का या जाति का कोई भी व्यक्ति चले गया, उसी के काम करने के लिए तत्पर तैयार खड़े तो रहते यहाँ हैं। कैंडिडेट की छवि ज्यादा काम कर रही है या जयंत चौधरी का चेहरा ज्यादा काम कर रहा है? देखो जी, जयंत चौधरी का चेहरा तो काम करेगा, उसमें तो अच्छा, कोई दोराय की बात ही नहीं। अच्छा, कैंडिडेट भी अच्छा है। हाँ जी, लेकिन जयंत चौधरी का चेहरा जयंत जी भी अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो गठबंधन करा ये ठीक करा जयंत जी ने? मैं देखो जी, जब घर का कोई मुखिया या घर का कोई चौधरी किसी, जब कोई चौधरी की पगड़ी चौधरी साहब को छपरौली में बांध दी थी और जो चौधरी जैन सिंह ने जो फैसला ले लिया, अब उसकी बात को जो घर के मुखिया ने जो बात कह दी उसकी बात को गिर तो कोई सकता नहीं। ये गठबंधन 2014 में होना चाहिए था। अगर ये गठबंधन 2014 में होता तो आज दो सीट पे चुनाव ना लड़ते, आज 25 सीटों पर चुनाव लड़ते चौधरी जैन सिंह। ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अच्छा, हाँ, 2014 में होना चाहिए था गठबंधन, 2014 में होना चाहिए था। अजीत सिंह को जब बुलाया था बीजेपी ने, अगर अजीत सिंह साहब चले जाए तो आज सीट कम से कम 20 सीट आज इनके हाथ में होती। अच्छा, हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो ये सलाह जयंत चौधरी को दी? जयंत चौधरी का मतलब तीसरी पीढ़ी आने के बाद जो समझदारी जयंत चौधरी ने करी ना, कि अपना मतलब त्याग दिया, अपना मतलब ये जो परिवारवाद त्याग दिया, ये बहुत ही बड़ा करा है। अच्छा, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का जो टिकट है वो आम कार्यकर्ता का टिकट है, अब आम कार्यकर्ता पार्टी में जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता। क्योंकि आज तक क्या था कि परिवार के व्यक्ति ही चुनाव लड़ रहे थे, अब एक आम कार्यकर्ता जिसको कहीं तक भी उम्मीद नहीं थी कि भी मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा सांसद का, उनको टिकट दिया गया है। और एक बात और बताता हूँ डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी के बारे में, उन्होंने जो पीएचडी की है मेरठ कॉलेज से, वो भी चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर ही की है। राजनीति जीवन तो उन्होंने शुरू किया ही उनके साथ में, लेकिन अपनी पीएचडी भी उन्होंने जो पूरी की है वो चौधरी चरण सिंह के ऊपर की है। आप तो यहाँ उम्र में सबसे कम लग रहे हैं और हुक्का आप ही पी रहे हैं। हाँ जी है? हाँ जी, युवाओं में ज्यादा चल रहा है हुक्का। हुक्का युवाओं में ज्यादा चल रहा है? हाँ जी। क्या सीन चल रहा है जो बुजुर्ग बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, कैंडिडेट ठीक है? बढ़िया कैंडिडेट है, पढ़े लिखे कैंडिडेट है, ऐसे कैंडिडेट चाहिए। पढ़े लिखे दूसरे भी होंगे जो यहाँ चुनाव में हैं? ये ज्यादा उनका सीनियर है, ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम बागपत लोकसभा क्षेत्र के गांव नरोजपुर गुजर में हैं और आज यहाँ आरएलडी के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान की कई जनसभाएं थी। हम यहाँ कुछ लोगों के साथ बैठे हैं इस समय, आइए इनसे चर्चा करते हैं कि इस समय बागपत लोकसभा सीट में क्या चल रहा है। की राजनीति क्या राजनीति है जी, जिसमें पैसा है उसकी क्या राजनीति रहेगी? जिसे आप जिसके पास अपना टूट पैसा है उसको टिकट से पैसे देकर टिकट ले आएगा, उसका क्या राजनीति रहेगी? उसकी
घर नहीं, घर नहीं है, परिवार नहीं है, पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है, 6,000 रुपए केवल अकाउंट में है, अकाउंट में है अगले को लिया जमीन सभी का, और उनके कपड़े सब चीज है, उनकी गाड़ी में रहते हैं हमेशा, रात को 12 बजे भी अगर कोई फोन करता है उसके साथ में जाते हैं, ऐसे व्यक्ति है डॉक्टर राजकुमार सांगवान। ऐसा नहीं कि जाति धर्म कुछ देख कर काम करते हैं, जो भी व्यक्ति फोन करता है उसकी समस्या के लिए तुरंत जाते हैं। टिकट मिला है गाड़ी भी, हम मतलब किसान लोगों ने इकट्ठे करके पैसे, गाड़ी भी उन्होंने दी है लेकर, अगले के पास तो गाड़ी भी नहीं थी, अगले की राजनीति 40 साल की इतनी पुरानी के बाद तक कुछ लिया ही नहीं, बिना पैसे दिल्ली के चुनाव नहीं चलना, चुनाव लड़ा रहे हैं जी। मैं कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहे हैं, मतलब कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हैं इसके साथ शुरू से ही, वे चुनाव लड़ा रहे हैं इसको। आप कितने दिन से जानते हो राजकुमार सांगवान को? मैं करीब 3 साल से। अच्छा, हाँ, कैसे जानते? 3 साल से मतलब चौधरी के साथ, चौधरी अजीत सिंह के साथ टच में आया था यू। अच्छा। जब नाम सुना था एक बार इसका। अच्छा अच्छा, आपकी क्या राय है? आप तो बीजेपी की टोपी लगा रखी है आपने, आप जी? बीजेपी का ही अच्छा काम है जी। अच्छा, अच्छा व्यक्ति है जी, बहुत अच्छा जी, प्रत्याशी ठीक है, बहुत बढ़िया जी। सीट तो बीजेपी की जीत रही थी, अब आरएनडी पे आ गई तो। हाँ जी, अब भी जीत रही है, अब भी ठीक है। हाँ जी, अब भी जीत रहे हैं। हाँ जी, 9 बजे जीता था जी इसको तो। 9 बजे? 9 बजे जी। बागपत लोकसभा में रिकॉर्ड होगा ये, पूरे पूरे भारत का जीत का रिकॉर्ड होगा यहाँ पे इस बार, आप देख लेना। 5 लाख अरुण जी, ये बात ठीक है? बहुत ही बढ़िया, पक्का जी, पक्का, कम से कम 4-5 लाख देना जीत हुई तो कुछ नहीं हुई। अच्छा, कितनी वोट है यहाँ? वोट तो जी मेरे ख्याल में काफी है, वोट तो 16 लाख 15-16 लाख रुपए के आसपास वोट है, और कम से कम 11-11.5 लाख वोट पड़ेगी। अच्छा, और 6 के और 7 लाख के बीच में वोट मिलेगी डॉक्टर राजकुमार सांगवान को। कैंडिडेट तो एक बसपा से है प्रवीण बैसला, और एक अमरपाल शर्मा सपा से है। अच्छा, राष्ट्रीय लोक दल और किससे फाइट है? यहाँ अमरपाल की उम्मीद करी जा रही है। अच्छा, क्योंकि वो दो हो गए ना मुस्लिम, अभी तो कह रहे थे किसी से फाइट नहीं, नहीं वैसे है नहीं जी, फाइट है नहीं। अच्छा, पर जो सेकंड का नंबर बताया वो अमरपाल का बता रहा है। अपना उम्मीदवार ही घोषित ना करा गया हो, उनके साथ क्या फाइट है? किसने नहीं करा उम्मीदवार घोषित? सपा के 8 पर्चे खरीदे गए, 8 लोगों ने जो है पर्चे लिए सपा के। पहले कैंडिडेट बना दिया गया मनोज को। अच्छा, मनोज ने चुनाव लड़ा, फिर अमरपाल को लिया कहीं से। अच्छा, और अब पता नहीं ये लड़ेंगे, पता नहीं तो हो गया कि फाइनल हो गया अब तो, लेकिन इनको जो अदला बदली होती रही लास्ट टाइम तक का। अच्छा, पहले मुलायम सिंह ने अखिलेश में अदला बदली होती, मैं सीएम बढ़ूंगा, ये इस पार्टी का लगातार चलता आ रहा। अच्छा, कौन होगा ये आपस में डिसीजन नहीं ले पा रहे। मसला नहीं है? नहीं, अब कोई मसला नहीं है, इनने का भुगतान बढ़िया हो रहा, सब बढ़िया हो रहा। पेमेंट आ गया? हाँ, पेमेंट आ गया, पेमेंट में तो मौज आ रही है जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, बस आज 10-15 दिन का रह रहा कुछ नहीं, बागपत जी पूरा पेमेंट कर रहे। बढ़िया जी, बढ़िया, पर्ची भी बहुत बढ़िया आ रही है, गन्ना बहुत बढ़िया जा रहा। ये भाजपा से गठबंधन के बाद जिस दिन पहले से ही हो रहा है, पहले से पेमेंट ठीक है। भाजपा गठबंधन, भाजपा के गठबंधन करके बहुत बढ़िया करा जैन चौधरी। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जैन चौधरी और योगी सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग थी बागपत में, और जिस दिन योगी आए, जो इनका 14 दिन का वादा है, 5 तारीख को इन्होंने 22 मार्च तक का पेमिट डलवा के, जब बागपत में योगी आदित्यनाथ जी ने एंट्री करी थी कि कोई भी किसान मेरे को ये ना कह दे कि भाई 14 दिन का आपने टाइम दिया था, कि 9 दिन तो वे हो गए और 5 दिन आ गए, 9 और 5 14, तो हमारा तो सारा पेमिट ठीक टाइम पर आ रहा है। तो ये 22 मार्च तक का पेमिट है बागपत मिल का, दोनों दलों के कार्यकर्ता, और इनका दावा है कि हाँ बताइए, कहते हैं कि बीजेपी को जो है कहीं पे भी एक धारणा बनी हुई है कि मुस्लिम वोट नहीं देता जी। डॉक्टर राजकुमार सांगवान को जो है 50% मुस्लिम वोट मिलेगी, आप ये बात भी वो कर लो नोट। डॉक्टर राजकुमार सांगवान के इन्होंने जाति धर्म के उससे ऊपर उठकर राजनीति की है, ये नहीं देखा कि ये किस धर्म का है, उसका काम करा। इस पर इस जिले की उन्नति होगी। अच्छा, इस जिले की अब उन्नति होगी जो पहले नहीं हो पाई। क्या क्या होगा उन्नति में? इस जिले का विकास होगा, जो सड़कें छुटी हुई हैं वे सड़कें बनेंगी, जो और विकास के काम है वे काम होंगे, जो रोड है वे रोड बनेंगी, मतलब जो भी है विकास होगा इस जिले का,
जो अब तक हुआ नहीं था। आप एक बात बताइए, डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट इसलिए दिया गया या चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह परिवार की विरासत थी, ये जो कर्म जो स्थली थी जो बागपत लोकसभा है, ये उन्हीं लोगों की कर्म स्थली थी जो इस देश के भगवान थे। आप किसानों के भगवान थे, आप पूरब में चले जाओ, किसानों के मकान पे एक तरफ भगवान और एक चौधरी चरण सिंह का फोटो लगा हुआ है। हमारे यहाँ भी बागपत में, जिले में भी, हमारे गाँव में भी, हर घर में चौधरी चरण सिंह का फोटो लगा हुआ है। और ऐसे भगवान को देखो, ये तो कह नहीं सकते कि ये वोट चौधरी चरण सिंह को जाएगी, लेकिन चौधरी चरण सिंह के ही रूप में राजकुमार सांगवान जी को वोट देंगे। इतने ही सज्जन व्यक्ति डॉक्टर राजकुमार सांगवान है, उससे भी सज्जन व्यक्ति हमारे बड़े चौधरी साहब थे। उनसे भी बढ़िया जो है, वो कह रहे हैं भाई साहब चाय पियो, काम हो रहा है। चाय पी तो ये नरोजपुर गुजर गांव के लोग हैं जो यहाँ चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। हम आपको ऐसे ही कुछ और वीडियो दिखाएंगे, हमारा चैनल देखते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।